नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। चौथे चरण के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को रिझाने के लिए एटा के अलीगंज स्थित डीएवी मैदान में जनसभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित आपसे करने वाले हैं, साथ ही भाजपा प्रत्याशी मुकेश राजपूत के पक्ष में वो वोट करेंगे। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, लोकसभा 2024 के चुनाव चल रहे हैं, वहीं एटा लोकसभा की हम बात करें तो 7 मई को कल चुनाव संपन्न हो रहा है। प्रशासन ने चुनाव संपन्न कराने की पूर्ण जो है तैयारियां कर ली हैं। वहीं चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेजी पकड़ गया है। आपको बता दें कि एटा ही जिले की अलीगंज विधानसभा है, यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो भाजपा प्रत्याशी है मुकेश राजपूत, उनके पक्ष में कल 8 मई को जो है यहाँ चुनाव प्रचार करने आएंगे। उसका जायजा लेने के लिए हमारे अलीगंज के विधायक ठाकुर सतपाल सिंह राठौर मौजूद हैं, जो कि यहाँ जनसभा की जो होनी है उसकी तैयारियों का जायजा लेने मौके पर पहुँचे। आखिर उनसे बात करेंगे किस तरह की ये तैयारी और कितनी भीड़ इस जनसभा में जो है महाराज जी को सुनने आ रही थी। विधायक जी, आप तैयारियों का जायजा लेने अलीगंज विधानसभा क्षेत्र जो है मरखावा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ 13 मई को चुनाव है। माननीय मुख्यमंत्री जी 8 मई को लगभग 11 बजे यहाँ आ रहे हैं और भीड़ की तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए स्वयं ही लोग कह रहे हैं क्षेत्र से, तो हमें उम्मीद है कम से कम 20-25 हज़ार से ऊपर भीड़ रहेगी यहाँ पर। फर्रुखाबाद लोकसभा की अलीगंज विधानसभा है, भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश राजपूत को अपना प्रत्याशी बनाया है। बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर नवल किशोर साग को यहाँ से प्रत्याशी बनाया। वहीं भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में यहाँ योगी आदित्यनाथ जी जो 8 मई को आएंगे और वो जनसभा को संबोधित करेंगे। कैमरामैन विकास दुबे के साथ नंद कुमार, प्राइम टीवी एटा।